हेलो एवरीवन, पूनम सुखरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मदर्स डे स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। केक बहुत ही ब्यूटीफुल और टेस्टी बना है और आप मदर्स डे पे इस केक को बनाकर अपने मदर्स को स्पेशल फील ज़रूर करवाइएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मदर्स डे केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बर्तन को प्रीहीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीले में एक स्टैंड रख लिया है और अब हम इसके ऊपर से लिड लगा देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इन्हें प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। आप केक को कुकर या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। और जब तक पतीला प्रीहीट होगा तब तक हम केक के बैटर को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में हम 2 कप केक प्रीमिक्स डाल रहे हैं। ये चॉकलेट केक प्रीमिक्स है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप डाल दिया और यहाँ पर 1/4 कप हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। फ्लेवर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। और मैंने उसी कप में पानी लिया है जिसमें मैंने केक के प्रीमिक्स को निकाला था, इसलिए यहाँ पर आपको पानी का कलर चॉकलेट ब्राउन जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे जिसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होगा। मैंने बैटर को बनाने के लिए 1 कप पानी लिया था जिसमें से 2 चम्मच पानी यहाँ पर बच गया है। और हमारे यहाँ पर केक का बैटर रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी को दिखा रही हूँ, तो ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और एकदम स्मूथ और रिबन जैसी कंसिस्टेंसी का बैटर है। बैटर रेडी हो गया है तो अब हम इसे तैयार किए हुए केक टिन में डाल देंगे। केक टिन को मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था और ये देखिए, बैटर को डालने के बाद 1 से 2 बार टैप करेंगे और प्री हीटेड बर्तन में हम यहाँ पर डाल देते हैं टिन को। सावधानी से डालिएगा, बर्तन बहुत गर्म होता है अभी। और लिड को लगा देंगे और अब हम केक को 40-45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। आप इसे 35 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर मेरा केक 40 मिनट्स के बाद एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसमें टूथपिक या नाइफ को इंसर्ट करके देख लेंगे, ये बिल्कुल क्लीन निकला है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम केक को ठंडा होने देंगे और साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर 50 ml फ्रेश क्रीम लिया था और इसमें मैंने 100 ग्राम्स ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट मिला दिया है और ये एकदम गर्म है क्रीम यहाँ पर। और चॉकलेट को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे और 1 से 2 मिनट के बाद चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसे साइड में रख देंगे अभी। और अब यहाँ पर हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चिल्ड व्हिप क्रीम लिया था जिसे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से एकदम अच्छे से व्हिप कर लिया है स्टिफ पीक्स आने तक। तो आप देख सकते हैं एकदम स्टिफ हो चुका है हमारा क्रीम। और अब हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया था इस क्रीम में ऐड कर देंगे और क्रीम के साथ अच्छे से मिला लेंगे गनाश को। ये देखिए, क्रीम में गनाश को मिलाने से क्रीम का कलर लाइट चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे गनाश का कलर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। और अब वापस से इसे मिला लेंगे और दूसरा क्रीम में बहुत ही अच्छा चॉकलेटी टेस्ट भी आएगा। हमारा क्रीम तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा केक भी ठंडा हो गया है तो इसे अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। हमारा केक बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाता है और एक प्लेट के ऊपर रखते हुए इस तरह से टर्न कर लेंगे। और अब बटर पेपर को हम हटा लेते हैं और हमारा केक डीमोल्ड हो गया है। अब हम केक को एक टर्निंग टेबल पर निकाल लेंगे और साइड्स को इस तरह से नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। आज मैं 2 लेयर्स में केक कट कर रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। और अब एक स्पैचुला को इंसर्ट करते हुए बहुत ही ईजिली केक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर टर्न टेबल पर एक इस तरह का कपड़ा रखेंगे और इसके ऊपर प्लेट या बोर्ड रख देंगे। अब ये प्लेट के ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे ताकि हमारा केक डिस्प्लेस ना हो प्लेट से। और इसके ऊपर से केक के एक लेयर को रखेंगे और यहाँ पर शुगर सिरप से अच्छे से लेयर को सोक कर देंगे। शुगर सिरप को मैंने 1/4 कप पानी में 2 चम्मच चीनी को अच्छे से डिसॉल्व करके लगाया है। और अब जो हमने क्रीम बनाया था इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर केक पर एकदम अच्छे से इसके लेयर को लगा देंगे। इस तरह से क्रीम को फैलाने से बहुत ही ईजिली केक के ऊपर क्रीम स्प्रेड हो जाता है। अब क्रीम को स्प्रेड करने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड चॉकलेट डाल देते हैं। आप यहाँ पर चॉको चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब केक के दूसरी लेयर को रखेंगे हम
बिल्कुल इस तरह से। और साइड्स पे हम पहले प्लेन कर लेंगे केक को, एकदम इवन करना है ताकि हमारा केक एकदम स्ट्रेट बने। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। अब वापस से हम केक के टॉप पर शुगर सिरप से एकदम अच्छे से सोक कर देंगे केक को। और अब केक को वापस से क्रीम से एकदम अच्छे से कवर कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब क्रीम को एकदम अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए पूरे केक में, और एकदम अच्छे से आपने यहाँ पर लेवल कर लेना है क्रीम को। और ये जो बचा हुआ जगह है ना, इसके ऊपर से वापस से क्रीम लगाएंगे, और अब क्रीम को वापस से स्प्रेड कर देंगे साइड्स में, जिससे कि हमारा केक एकदम अच्छे से क्रीम से कवर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा केक एकदम अच्छे से कवर हो गया है। अब साइड्स में प्लेट को भी एकदम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं कपड़े की मदद से। और ये देखिए, हमारा केक एकदम क्लीन हो गया है साइड से। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट गनाश किया है, और साइड्स में ड्रिप्स बना लेंगे इस तरह से। ये ड्रिप्स देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ड्रिप्स को बना लिया है, और अब यहाँ पर रोजेट बना रहे हैं। और अब हमने जो क्रीम बनाया था, इसे मैंने स्टार नोजल में फिल कर लिया है, और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हम यहाँ पर रोजेट्स बना रहे हैं। और अगर आपके पास एसी रूम अवेलेबल है तो आप केक की आइसिंग को एसी रूम में ही कीजिएगा, जिससे कि आपका क्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होगा। और अगर आपके पास एसी रूम अवेलेबल नहीं है तो आप केक की आइसिंग को सुबह सुबह कर सकते हैं, जब टेम्परेचर कम रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर में जो बचा हुआ जगह है बीच का टॉप में, इसके ऊपर से हमने चॉकलेट गनाश को स्प्रेड कर दिया है और एकदम अच्छे से लेवल कर लिया है। और अब साइड्स में इस तरह से हम बॉर्डर दे देते हैं। ये देखिए, इस तरह से स्टार नोजल से ही मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया है। और अब यहाँ पर मैंने ऊपर में आई लव मॉम लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर हैप्पी मदर्स डे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप बटर पेपर के ऊपर इस तरह से पहले पेंसिल से लिख लीजिएगा या फिर पेन से, और इसके ऊपर आप मेल्टेड चॉकलेट से इसका आउटलाइन दे दीजिएगा। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और आपको अगर लिखना नहीं भी आता है तब भी आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और डिज़ाइंस बना लेती हूँ, मेरा मल्टी चॉकलेट बच गया था तो। और ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और एक मदर्स डे का जो मैंने आप लोगों के साथ केक बनाया था। और जब ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद, तो हम इन्हें केयरफुली निकाल लेंगे। और अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये मेल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, तो इसलिए आप जल्दी से इसे केक के ऊपर डेकोरेशन कर दीजिएगा। तो मैंने ये वाला केक आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल केक है, आप ये भी मदर्स डे पर बना सकते हैं। और ये केक भी बहुत ही टेस्टी बना था, और इसकी डेकोरेशन भी काफ़ी इजी है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए, ये भी केक बहुत ही ब्यूटीफुल बना था। तो चलिए, अगर आपको नहीं आता है लिखना तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी है, चॉकलेट केक, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। तो आप इस मदर्स डे पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को, और अपनी मम्मी को बिल्कुल स्पेशल फील करवाइएगा। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत दिखाई दी हो तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी मदर्स डे।